शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीवी जी, हेलो। हाँ श्रवणी। हेलो शिवांश, आप जल्दी से कॉलेज आ जाइए। क्या हुआ? वो सब छोड़िए, आप बहुत जरूरी काम है, बस आप जल्दी आ जाइए। रोहन, नहीं करती हूँ हमसे प्यार। उसने कहा और तुमने मान लिया? तुमने नहीं देखा कि शिवांश कितना गुस्से वाला है? हमारी दीदी मरते मर जाएगी, लेकिन उफ तक नहीं करेगी। जब तक शिवांश है, तब तक ना वो कुछ समझ पाएगी और ना ही कोई फैसला ले पाएगी। अगर तुम उसे चाहते हो तो उनकी अनकही बातें भी समझो। रोहन, फिलहाल अपने बर्ताव के लिए दीदी से माफी मांग, उसका सहारा बनो, बाकी हम संभाल लेंगे। तुमने बुलाया श्रावणी? गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, कुछ बहुत जरूरी दिखाना है इसीलिए, और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको सबूत चाहिए था ना मैम, ये देखिए। देखो हमारा कॉलेज ऐसा है ना, जहाँ पे कैंटीन मैनेजर भी कार में आता है। सेकेंड हैंड कार के साथ रोहन का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बीवी कहीं अपने डॉक्टर दोस्त के साथ ना भाग जाए। यहाँ पढ़ने आते हो ना, जाके पढ़ाई करो। नहीं गया तो वरना क्या करेगा, मारेगा? बोलना सेकेंड हैंड पति। देखा मैम, रोहन के नाम से हमारा नाम जोड़ा जा रहा था, उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी हमारे बारे में। ऐसे में एक पति के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी शिवांश ने सुना, सब कुछ सुना। उसके बाद इसने शिवांश की गाड़ी के सारे डेकोरेशंस निकाल दिए। इतना ही नहीं, मैं शिवांश को धक्का भी दिया। इन सब के बाद शिवांश का हाथ उठा है। ये सब झूठ है मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैम, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है ना, हमने कुछ नहीं किया मैम। शर्म नहीं आती है सबूत सबके सामने होते हुए झूठ बोलते हुए? मैम देख लीजिए, सबूत आपके सामने है, फिर भी ये लड़का झूठ बोल रहा है। अतुल शर्मा, जो भी है सच सच बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैम सॉरी मैम, हम तो बस शिवांश की खिंचाई कर रहे थे मैम, और कुछ नहीं। बस वो तो मजाक था, है ना दोस्तों? मैम वापस ऐसा कभी नहीं होगा मैम, वो तो बात बात में बात बढ़ गई मैम। ये सब मस्ती मजाक है हा? एक लड़की की बदनामी करना, किसी की इंसल्ट करना मजाक है? मैम गलती हो गई मैम, प्लीज सॉरी। तुम्हारी मस्ती मजाक में इसकी जॉब चली गई, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस देना चाहते हैं। वी आर रियली सॉरी। जाओ अपनी कुर्सी संभालो। थैंक यू मैम, थैंक यू।
कंग्रेचुलेशंस। इसके भागदार आप हैं। और तुम मिस्टर अतुल शर्मा, अब से इस कॉलेज कैंपस में कदम नहीं रखोगे। यू आर रस्टिकेटेड। मैम सॉरी मैम, प्लीज मैम, हमारे घर वालों ने कर्ज लेकर हमें पढ़ने भेजा है मैम, प्लीज मैम, मैम वापस ऐसा कभी नहीं होगा मैम, प्लीज मैम। अब हम कुछ नहीं कर सकते। शिवांश, शिवांश मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा शिवांश, प्लीज आप मैम से बोले ना हमें कॉलेज से ना निकाले शिवांश, हमारे घर वाले टूट जाएंगे शिवांश, प्लीज हमारा करियर खत्म हो जाएगा, आप प्लीज मैम से बोले ना हमें कॉलेज से ना निकाले, प्लीज मैम से बोलिए हमें रेस्ट्रिक्ट ना करें, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, हमारे एडमिशन मत रोकिए सर प्लीज, हमारे माँ बाबा का सपना था कि हम डॉक्टर बने, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है हमने तुम्हें माफ किया मैम, क्या हम इसे एक चेतावनी देके छोड़ नहीं सकते? हमारा मतलब है कि इसके साथ साथ इसके परिवार का भी सपना है, उसमें इसके परिवार का क्या दोष है, प्लीज मैम। ठीक है पर सिर्फ तुम कह रहे हो इसलिए कर रहे हैं। थैंक यू शिवांश, आप सही में बहुत अच्छे हो, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे शिवांश, थैंक यू। कोई बात नहीं शिवांश, अपनी जिम्मेदारी संभालो, हम चलते हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब थैंक यू से काम नहीं चलेगा मैनेजर साहब, ऐसे थोड़ी छुट्टी हो जाएगी, सबको समोसे खिलाने पड़ेंगे और वो भी खट्टी चटनी के साथ। जी बीबी जी, सबको खिलाते हैं समोसे, वो भी खट्टी चटनी के साथ, हम लाते हैं। ये लीजिए आपका समोसा खट्टी चटनी के साथ, खाइए। हमारे समोसे भी दे दो। ये लीजिए। श्रोवणि क्या हुआ? शिवांश, श्रोवणि को क्या हो रहा है? श्रोवणि, इसमें उतना ही दिखेगा ना जितना हम दिखाना चाहते हैं? हाँ मम्मी, बढ़िया एडिट करती है, बिल्कुल फिकर नॉट। इसका मतलब अब श्रवणी बुरिया बिस्तरा बांध कर रवाना हो जाएगी, उसके बाद शिवांश के आंसू हम ही पोंछेंगे। आपका शुभचिंतक। श्रवणी तुम तो गई। हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए शायद चक्कर आ गया। अरे यू आर एब्सोल्युटली फाइन, बधाई हो, घर में नन्ना मुन्ना आने वाला है, कंग्रेट्स। सच में डॉक्टर? या यू आर प्रेग्नेंट, आप मां बनने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब समोसे से काम नहीं चलेगा, मिठाई खिलानी पड़ेगी। हाँ, मिठाई खिलानी पड़ेगी। इसका क्या करें मम्मी? नानी, नानी,
अरे देखो तो कौन आया है, आपके लाडले दामाद जी। ओ नानी। दामाद जी आप? अरे पाए लगे नानी, पाए लगे। खुश हो? खुश हो नानी, आपको देखे मन प्रसन्न हुआ। अरे मामी। अरे अरे बस पाए लगे, पाए लगे। देवी के दर्शन कैसे हुए? अरे बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। प्रसाद लाए आपके लिए। दरवाजे पे खिलाओगे क्या? चलो चलो अंदर चलो। चलिए आप लोग चल के बैठिए, हम पानी लेके आ रहे हैं। हाँ, चल चल चल। स्वीटी ये लिफाफा दरवाजे पे रख दे। पर दरवाजे पर कोई और उठा के ले गया तो? हम जो कह रहे हैं करो और आगे तमाशा देखो। ठीक है। हनी, अपने घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाय नानी। नानी प्रसाद खा लो। प्रसाद लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे पानी रख दीजिए मामी, प्रसाद लीजिए पहले तो। ये लीजिए लीजिए। आपका शायद कुछ सामान वहां रह गया। हमारा सामान छूट गया है? हमारा सामान? नहीं यार नहीं, वहां वहां। क्या है हम? अरे ये क्या है? इस पर तो लिखा है आपका शुभचिंतक। अरे नानी आपके अलावा हमारा कौन शुभचिंतक है, बताइए कौन है? अरे है ये क्या है? अरे नानी ये है पेन ड्राइव। इससे क्या होता है? ये जो है ना ये टीवी या कंप्यूटर में लगता है, ये के अंदर कुछ वीडियो फोटो वोटो कुछ होता होगा। इसमें क्या है? वो तो चला के देखना ही पड़ेगा। लाइए हमें दीजिए, हम चला के देखते हैं इसमें क्या है। हाँ हाँ चलाओ चलाओ चलाओ। ये लो मिठाई खाओ। थैंक यू। अरे हमें ही मिठाई खिलाते रहोगे कि अपनी वाइफ को भी खिलाओगे? लीजिए वो मीठा कीजिए। बधाई हो आपको भी। सरहद जी से हमको ये उम्मीद तो ना थी। श्रवणी, सरहद जी के साथ ये लड़का है कौन? ये तो वही लड़का है ना? हाँ माँ जी, ये तो रोहन है। रोहन? इसके साथ तो दीदी का पहले चक्कर था, लेकिन अभी भी। ये सब क्या है?
ये वीडियो किसने भेजी है? वसुधा जी, असल बात तो ये है कि श्रवणी उस लड़के से मिलने का है गई थी, जब अम्मा जी ने मना किया था। अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा 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 अम्मा, खुशखबरी अम्मा, खुशखबरी, अरे खुशियां मनाओ मेरी प्यारी अम्मा। अम्मा, अब तो आपकी मनोती पूरी हो गई, सोने की सीढ़ी बनेगी आप, ये लीजिए चटाई खाइए। अम्मा, परदादी बनने वाली है आप। अरे मिठाई खाइए, अरे खाइए ना माँ। अम्मा, क्या हुआ? किस बात की खुशी मनाए? पहले इसे पूछो कि बच्चा किसका है। अम्मा, चिल्लाओ मत। वो क्या रिमोट दे दो, पहले ये देखो। ये देख तमाशा क्या हो रहा है। दुल्हन से क्या है ये सब? श्रवणी, आप रोहन से मिलने गई थी? शुभांश, आप सब लोग जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो जिस तरह, लेकिन क्यों? शिवांश, हम पर विश्वास कीजिए, हम आपके लिए ही गए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या सवाल जवाब कर रहे हैं आप लोग उससे? वो माँ बनने वाली है, उसकी बेचारी की हालत तो देखिए। आप लोगों को उसकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि सवाल उठाने चाहिए। पहले ये तो साबित करे कि ये बच्चा इस खानदान का है या नहीं। अगर है तो 9 महीने रख लेंगे इसे। एहसान नहीं करेंगे आप लोग उसे रखकर, और इतना बड़ा सवाल एक रिकॉर्डिंग के दम पर। हाँ मानते हैं कि वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि वो रिकॉर्डिंग सही हो। और श्रवणी ने पहले ही बोला है कि वो उसका दोस्त है। हाँ दोनों पास पास नजर आ रहे हैं, पर जरूरी थोड़ी ना कि कुछ हो। वो बोल चुकी है कि वो सिर्फ दोस्त है, और आजकल दोस्तों में तो ऐसे चलता है। खून खौल रहा है हमारा, और उसके कोक में आपका खून पल रहा है। कोई बात नहीं, ये बात खत्म करते हैं। श्रवणी, तुम तो डॉक्टर हो ना, वो का टेस्ट वगैरह करते हैं असली पिता के बारे में जानने के लिए, वो करके इन सब का मुंह बंद कर दो। चंद्रा जी, हमारा खानदान शरीफों का खानदान है। यहां एक मां से यह सब साबित करने के लिए नहीं कहा जाता।
और आपके शरीफ खानदान में बहुओं के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। शरीफ घर की दुल्हन गैर आदमी के घर कभी नहीं जाती। बड़की ठकुराइन ठीक कह रही है, तुम्हें अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। हमें सबूत चाहिए, तुम्हारे कोख में हमारे ही खानदान का खून है। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी दुल्हन। उसे अग्नि परीक्षा लेंगे? हम तो बस ऐसी तुक्का फेंके थे ये सोच के कि आप सब लोगों को शर्मिंदगी होगी, लेकिन नहीं, आप हमारी बात मान गई। यही हमारा फैसला है, दुल्हन को अग्नि परीक्षा देनी होगी। आप क्या बोल रही है? अब हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे कोख में जो बच्चा है वो हमारे ही पति का है। बोलिए ना अम्मा। माँ, आपको तो हम पर विश्वास है ना? बेटा, हमें तुम पर, तुम्हारी पवित्रता पर पूरा भरोसा है। पर तुम्हें ऐसे रोहन के घर जाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी माँ। शर्मनी, तुमने हमसे कहा है ना कि हम तुम्हारी ताई जी हैं। अगर हम सच में उसी हक से कहते हैं, ये रिकॉर्डिंग वगैरह गलती तो हुई है शर्मनी, तो अब सवाल तो उठेंगे, उंगलियां भी उठेंगी, आवाजें भी ऊंची होंगी। इन आवाजों को दबाने के लिए ना तुम्हें ये परीक्षा देनी पड़ेगी शर्मनी। कहते थी तो कभी नहीं, जब जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो परीक्षा किस चीज की? हाँ, कोई अग्नि परीक्षा नहीं देंगे हम। अम्मा, इस घर की बहू है आप, लाज है इस घर की। हाँ, तो आप सब हमें इतनी बड़ी बात साबित करने के लिए कैसे कह सकते हैं? चुप क्यों है आप सब? हाँ माँ, आप तो कुछ बोलिए ना, आप ही चुप करिए। अम्मा, आज आपने सिर्फ हमें गाली नहीं दी अम्मा, बल्कि हमारे इस अजन्मे बच्चे को भी गाली दी है। और आप सब चुप खड़े? हाँ, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ,
हम सबको बता दे रहे हैं, हम अपने ऊपर कीचड़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे पर नहीं, क्योंकि ये बच्चा हमारे शिवांश के प्यार की निशानी है। शिवांश अभी यहीं पे तो थे। शिवांश क्यों बुलाया हमें यहाँ? बोलना तुमको है, चलो हमारे साथ हमारे घर और बताओ हमारी अम्मा को कि तुम्हारे और शर्मनी के बीच में कोई चक्कर नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? देखो हमारा दिमाग ना अभी उबाल मार रहा है, समझ रहे हो? हमारी अम्मा को एक गलत फहमी है कि तुम और शर्मनी एक दूसरे से प्यार करते हो, तो इसलिए इसी वक्त हमारे घर चलो हमारे साथ और हमारी अम्मा की गलत फहमी दूर करो। चलो अपनी ये गर्मी कहीं और जाके निकालो। श्रवणी पत्नी है तुम्हारी तो हमारी भी बचपन की दोस्त है, पर ये बात तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में घुसेगी नहीं ना। पत्नी है वो तुम्हारी, कोई खूटे से बंदी गाय नहीं। रही बात तुम्हारी अम्मा की, तो हम कहीं जाके किसी से कुछ नहीं कहने वाले। हाँ हम चाहते हैं शर्मनी को, बचपन से, पर वो हमें अगर अपनी जबान से हमारी बीवी का नाम दोबारा लिया ना तो जान से मार देंगे तुम्हें। इसी गुस्से और जोर जबरदस्ती से तुमने शर्मनी को बंदी बना रखा है ना, धमका रखा है उसे, है ना? लगता है तुम्हें इसके अलावा कोई भाषा समझ नहीं आती। छोड़ो शिवांश, फोन उठाइए। फोन उठाया शिवू ने? माँ शिवांश फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारा कहीं मुंह छुपा के रो रहा होगा और क्या। बस भी कीजिए अम्मा, शिवू भी ऐसे में पता नहीं कहां चला गया है। शिवांश फोन उठाइए। दीदी कहीं जीजा जी रोहन से भिड़ने तो नहीं चले गए? रोहन से भिड़ने? तुम्हें कैसे पता? हम भी कब से रोहन को फोन लगा रहे, रोहन फोन नहीं उठा रहा। कहीं दोनों के बीच बोलना सेकंड हैंड पति। नहीं, नहीं। माँ शिवांश की रक्षा कीजिएगा, शिवांश कहीं गुस्से में कुछ कर ना ले, उसकी रक्षा कीजिएगा। हे देवी मैया,
तुम्हारी बीवी का नाम लेता है, जान से मार देंगे तुम्हें। बांध, रुक, छोड़ा मैं। तुम्हें तो आज हम जान से मार देंगे, तुम्हारी बीवी का नाम लेकर। नहीं भैया। श्रवणी दिव्या को ढूंढ रही है, उनका फिर से चक्कर आ गया। क्या? हाँ, आप जल्दी से घर जाइए। क्या? श्रवणी, तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। श्रवणी, कमाल किया है मम्मी, मजा आ गया। ऐसी गलत फहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना। कहा किस्मत पाई है तुमने चंद्रा, जब भगवान तुम्हारी किस्मत लिख रहा था ना तो बहुत ही खुश था। एक तीर चलाए और निशाने दो दो लगे। दो मतलब? मतलब ये कि अगर शिवांश ने उस रोहन को मार डाला तो जिंदगी भर जेल में रहेगा, श्रवणी की पूरी जिंदगी खून के आंसू बहाते बहाते बर्बाद। और मानो कि ना ही मारा तो कहा टेस्ट करवाएगी श्रवणी, जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद। कैसे मम्मी, आपको तो पता ही है वह रोहन के घर कुछ भी नहीं हुआ था। बेटा अगर टेस्ट करवाए ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है ये बच्चा शिवांश का ही है। तुम हमें जानती नहीं हो अभी तक। ये पैसा है ना बहुत बड़ी चीज है, भूखे के मुंह में डालो ना वहीं पर मुंह बंद हो जाता है। अस्पताल में बहुत कुछ किया जा सकता है, इसी फिरकी घुमाएंगे कि श्रवणी जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। क्यों दिमाग है आपके? मम्मी, ये घास कौन रहा है? स्वीटी, कोई है कमरे में, कोई है। मम्मी कौन है? मम्मी ढूंढो ढूंढो। हम ढूंढते। हमका सब पता चल गया, सारा प्लान पता चल गया। कोनो याददाश्त नहीं गई है, ये जो है ना बड़के ठकुराई नौटंकी नंबर वन। मम्मी, मम्मी, इन्होंने सब सुन लिया। इन्होंने अगर मुंह खोल दिया तो सब चौपट हो जाएगा। चौपट हो जाएगा नहीं, चौपट हो गया है और हम जरूर मुंह खोलेंगे। चिल्ला चिल्ला के पूरे गोरखपुर में बताएंगे। नानी, ओ नानी। बकरी है क्या? कहाँ जाएगा नानी के पास? अरे गर्दन काट के ना यहीं पर खून की नदियां बहा देंगे और पीछे गार्डन में ना गाड़ देंगे। गार्डन का क्या? चुप चुप। हाँ मम्मी, इनको अभी यहाँ मार के ना यही गाड़ देते हैं। देखो बटके ठोकर है, आप अपना अपना मुंह सी देंगे, कछु नहीं बोलेंगे। पीछे आंगन में छोटे 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 टुकड़े करेंगे, वहीं पर बुरिया में डाल के अंदर गाड़ देंगे। तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ से आए थे और कहाँ पर चले गए। तुम्हारी बीवी तुमको ढूंढती रहेगी,
समझे तुम? बढ़ गए ठकुराइन, हम बहुत काम की चीज है। अब आपका सारा काम कर देंगे, सारा काम कर देंगे, यहाँ तक हमका हमारी बीवी भी आपका सारा काम कर देंगे। हमका छोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े ना करो, हमको चक्कू से बहुत डर लगता है, इसको छोड़ दो। कुछ तुम अपना मुंह खोलो ना, तो जिस गोरखपुर में तुम चिल्ला चिल्ला के बताने की बात कर रहे हो ना, वहीं पर पूरे भोपू पे तुम्हारा नाम ले लेके लोग चिल्लाएंगे कि तुम कहाँ गायब हुए हो, तुम्हारी लाश मिलेगी नहीं बेटा। हम समझ गए। ठीक है, तुम भी देखते हैं तुम कितने काम के। बहुत काम के। चक्कू हाथ में दो, हमको बहुत डर लगता है। चक्कू हाथ में ना। हाँ मम्मी, चलो। बच गए अखिल बाबू, बच गए जीवन में। अम्मा जी, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ गए थे आप? चाकू 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 अम्मा जी, बेचारे जीजा जी, पहले कॉलेज में इतनी बेइज्जती हुई, फिर उनकी नौकरी भी चली गई, और अब दीदी ने जो कुछ भी किया, बेचारे कई निराश होकर जान वारना। नहीं, माता रानी शिवांश की रक्षा कीजिएगा, कहीं कुछ करना नहीं, हमारी मदद कीजिए माता रानी, हमारी मदद कीजिए। माँ आज कुछ भी अनर्थ मत होने देना माँ, आज शिवांश की विश्वास की परीक्षा है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा हमारे आन की है। आज हमारे सत पर सवाल उठा है माँ, एक माँ की कोख को गाली दी गई है, और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा पति हमारे साथ है कि नहीं। इस मुश्किल घड़ी में एक माँ ने माँ को पुकारा है, हमारी पुकार सुन लो। श्रवणी, तुम इतना परेशान काहे हो रही हो? सबका मुंह बंद करा दो ना, कहे कि ये तुम्हारे सम्मान की बात है, ये तुम्हारे होने वाले बच्चे की बात है, खत्म करो ये टेस्ट वेस्ट करके। साबित कर दो इन सबको और ये मुद्दा यहीं खत्म करो, और हम हैं तुम्हारे साथ, अगर हम तुम्हारी ताई जी हैं जैसा कि सब कह रहे हैं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम नहीं कराएंगे कोई टेस्ट, हम नहीं कराएंगे। चलो दुल्हन। अम्मा हुआ क्या? अम्मा क्या हुआ? अम्मा छोड़िए, अम्मा छोड़िए। चलो अम्मा, अम्मा छोड़िए।
दी थी अपनी परीक्षा, पर एक माँ को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है ये जानने के लिए कि उसके बच्चे का बाप कौन है। कान खोल कर सुन लो दुल्हन, अगर टेस्ट नहीं करवाया तो इस घर में एक मिनट भी रहने नहीं देंगे। अम्मा, अम्मा, ये क्या कह रही है अम्मा? एक बार सोच के तो देखिए, शिवानी इस घर की बहू है। अम्मा जी, चुप, बीच में मत आना। लेकिन अम्मा जी, चुप। अम्मा, अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा क्यों कर रही हैं? हम समझाते हैं। शवनी, घर परिवार ऐसा नहीं बनता। त्याग बलिदान देना पड़ता है, और कभी कभी मान सम्मान की तिलांजलि भी देनी पड़ती है। का कर्तव्य यही है कि वो अपने पूरे परिवार को जोड़ कर रखे। और परिवार का क्या फर्ज है ताई जी? घर के बड़ों का क्या फर्ज है कि ये घर की बहू के सम्मान को ऐसे ही कुचल दे? बोलिए ना, बोलिए। बड़ों की इच्छा के आगे एक औरत का सम्मान क्या ही है? औरत के सम्मान के लिए ना बड़े बड़े देवताओं ने युद्ध किए हैं। औरत के लिए उसके सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है ताई जी, कुछ भी नहीं। और रही बात त्याग की, मानते परिवार त्याग से बनते हैं, और किए हमने त्याग, बार बार किए हैं। बड़ों की इच्छा के आगे अपना सर भी झुकाया हमने, लेकिन आज आज ये जो अग्नि परीक्षा की बात है ना, हम मरते दम तक नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे हम ये बात। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो हमारा भी ये फैसला है। आप ठीक है ना? अम्मा, अम्मा क्या कर रही हैं आप? अम्मा मां बनने वाली वो किसके बच्चे की, वही तो पूछ रहे हैं। अगर इस घर में रहना है तो इससे कहो कि अग्नि परीक्षा दे। नहीं देगी कोई अग्नि परीक्षा, और ना ही कुछ साबित करेगी। जो श्रवणी का फैसला है वो हमारा फैसला है। तो सुन लो हमारा भी फैसला, इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। तो ठीक है, जिस घर में हमारी बीवी के लिए जगह नहीं उस घर में हम भी नहीं रहेंगे। शिबू, मां आज आप बीच में नहीं बोलेगी। शिबू, बस अम्मा, अम्मा क्या हो गया आपको? शवनी ने अपनी पढ़ाई और अपना सपना ताक पर रख कर ये मां बनने का फैसला लिया था। किसके कहने पर? आपके कहने पर, सिर्फ आपके लिए। और आप है कि ऐसे घटिया सवाल उठा रही है उसके ऊपर।
माँ आपको तो माफी मांगनी चाहिए इससे, माफी। मांगिए माफी। शिवांश, ये कैसे बात कर रहे हैं आप अम्मा से? इन सब की कोई जरूरत नहीं है। शिपो, आज तुम भी इसी की बोली बोल रहे हो? भूल गए किसी गैर वर्ग के साथ उसी के घर गई थी? अम्मा चिल्लाओ मत, कैसे मर्द हो अपने मेहरारू को काबू में नहीं रख सकते? बस अम्मा बस, अब अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम, बहुत हो गया। करो जो तुम्हारे मन में आए, हम इस अनर्थ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और माफी, और इससे सवाल ही नहीं उठता। समझे? चलो बेटा, तुम लोग अंदर चलो। जैसा हम कर रहे हैं ना वैसा कीजिए एक बार, ठीक है? हाँ, अब देखा देवी जी, जब गुस्सा है ना तो दो रोटी ज्यादा खानी चाहिए। वो क्या है ना, आपके पेट में चूहा है ना, वो हल्ला मचा देगा। अच्छा, और अगर चूहिया हुई तो? शिवांश, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपको पता है हम कितना डर गए थे। लो, छोटी सी बात, लीजिए, हमने अपने हाथ जोड़ लिए, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, वो हम सोच रहे थे कि अगर बेटा हुआ ना तो उसे हमारी तरह ना बैल बुद्धि मत बनाना, अपनी तरह बनाना, होशियार समझदार। और अगर बेटी हुई ना उसे तो हम अपनी तरह बनाएंगे, एकदम दमदार। जब वो चढ़ाई पे निकले ना, मतलब लौंडे लफाड़े गुंडे ना सब ऐसे थर थर कांपने चाहिए, मतलब समझदार ही बनाएंगे लेकिन दमदार। शिवांश, हम सोच रहे थे कि तीन मैम से बात करके एक साल के लिए छुट्टी ले ले। नहीं श्रावणी, हम यही नहीं चाहते कि आप अपनी पढ़ाई ऐसे बीच में छोड़ दें, इसलिए हम बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे थे। चल खाना खाइए, ये लीजिए। अरे शिवांश, आपको आपको चोट लगी है? अरे बेबी जी, छोटी सी भी चोट है। चुप करिए आप, एक मिनट रुकिए। आप खामा का परेशान हो रही है। आप भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते।
रोहन से लड़ लिए। शिवांश, हमारा विश्वास कीजिए, हम उससे मिलने से आपकी वजह से गए थे और कोई कोई वजह नहीं थी। आपने अम्मा को जवान दी पर वो जवान अब मरकर भी पूरा करेंगी, हम जानते हैं बात। अगर आपने जवान तोड़ी है तो उसके पीछे कोई छोटी वजह नहीं होगी, कोई बड़ी वजह होगी। शिवांश, लेकिन अम्मा, देखिए अम्मा थोड़ी पुराने ख्यालात की, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, वो समझ जाएंगे। आप अम्मा के ऊपर इतना गुस्सा किए अम्मा? देखिए हमारी बीवी के ऊपर कोई उंगली उठाए फिर तो हम ना आगे देखते हैं ना पीछे, फिर चाहे वो कोई भी। और कोई परेशानी बीवी जी? कोई परेशानी नहीं है बस अम्मा का। अरे हम दोनों मिलकर अम्मा को भी मना लेंगे, ठीक है? अब तो मुस्कुराइए, बहुत अच्छी लगती हैं बसते हो। खाना खा लीजिए, पता नहीं कब से भूखी बैठी हैं आप। अब आपको अपने साथ साथ हमारे बच्चे का भी ध्यान रखना हो। सारा काम बिगड़ गया और आप हो मम्मी यहाँ आराम से बैठ के सेब खा रहे हो, पता नहीं सेब पेट में जा कैसे रहे आपके। उनको समझ नहीं आ रहा खुशी है किस बात की। एक बात सुन लो सीटी, नाम में भले ही चांद, आग हम सूरज वाली रखते हैं। पर मम्मी आग लग कहाँ रही है? नहीं लगी है तो लग जाएगी, सबर करो, जब लगेगी ना तो सब जल के राख हो जाएंगे। काहे के इस बार जो तीली सुलगाएगा ना वो इसी घर का दामा और खिलवा। बस तुम उस रोहन को फोन करो, उससे कहो किसी भी तरह फिर अग्नि से माफी मांगे, बस उसको मना ले। हमने रोहन से कह दिया माफी मांगने के लिए। ठीक है जब कहोगी। मम्मी हमें ये समझ में नहीं आ रहा आप क्या करने वाले हो, मत समझो ना तुम। तुम कहे अपने दिमाग पे लौट ला रही मुझे, हम करेंगे सब कुछ ठीक। फूल किसने भेजे? रोहन?
डस्टबिन से बुके क्यों उठाया? क्या करोगे अब इसका? माता रानी, जाने अनजाने में ही सही हमने अम्मा का दिल तो दुखाया, बस हमारी मदद कीजिएगा माँ कि हम उन्हें मना सके। मदद कीजिएगा हमारी। आरती, माँ, अम्मा कहाँ है? अम्मा जी अपने कमरे में है। कर दीजिए ना हमें। अम्मा माफ कर दीजिए ना। अम्मा हमारा सिर्फ इतना ही दोष है कि हमने आपका दिल दुखा है। हमें माफ कर दीजिए ना अम्मा। आने वाले बच्चे को अपनी परदादी के लाड़ और दुलार की बहुत जरूरत है अम्मा।
आपको याद है बचपन में जब हम छोटे थे तो आप हमको कैसे फटकारा करती थी, डांटा करती थी, और जैसे ही आप गोद में हमें लेती थी हम आपकी गोद में सुसु कर दिया करते थे। याद है ना अम्मा, अब आपको ठीक वैसा ही ना अपने पर पोतों को टपटना। झूठा कही कर हम कब डांटे तुमको, पूजा के समय आके गोदी में बैठ के सुसु करते थे तुम, हमको नहाना पड़ता था, लेकिन हम कभी नहीं डांटे तुम्हें, हमेशा तुम भौंका जैसे मुंह करके हमसे माफी मांगते थे और हम माफ भी करते थे। आपको सब याद है अम्मा। तो इस बार भी माफ कर दीजिए ना माम, सच कह रहे हम रोहन से मिलने से इसलिए गए थे ताकि वो तीन मैम के सामने शिवांश के लिए गवाही दे। अम्मा, हमने सच में कोई गलत काम नहीं किया, शिवांश को भी हम पर भरोसा है, हम पर ना सही अपने पोते के भरोसे पर तो भरोसा कीजिए ना। अम्मा, मान जाइए ना। प्रसाद लेकर अपनी सारी नाराजगी दूर कर दीजिए। तू खिलाना। ये लीजिए, प्रसाद खाकर नाराजगी दूर कीजिए। सबको प्रसाद दे दो। ताई जी आरती। प्रसाद तो हमसे भी हुई है, कहा है ना कि हम अम्मा जी की तरह पुराने ख्यालात के हैं, जाने अनजाने में हमने कुछ बोल दिया हो तो हमें माफ कर देना। एक बात और, बाहर वालों के लिए अब इस परिवार में, इस घर में एक नया सदस्य जुड़ने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बीवी के आसपास बड़ों का आशीर्वाद और खुशी का माहौल बना रहे, कोई फालतू खटर पटर नहीं। बिल्कुल भी नहीं, कल रात कायदे से तुम पटे नहीं हो तो फिर पटने आ गए। शिवांश, शिवांश रहने देते हैं ना प्लीज। शमीन, शिवांश, I'm sorry। जानते हैं हमने कल रात को कहा था कि हम शमीन को बचपन से चाहते हैं। फिर वही बात। शिवांश, रोहन देखो
पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, प्लीज अब तुम और कुछ मत करो। बस शवनी, देखो जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। हम मानते हैं कि हम बचपन से ही शवनी को चाहते थे, पर अब हमें पता चला कि शवनी हमें नहीं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहती है, और यही बात हम तुम्हें कल समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर इतनी गलतफहमी हुई और बस उसी के लिए माफी मांग रहे हैं। बस जैसे एक वाकये की वजह से दोस्ती मत तोड़ना प्लीज। रोहन देखो, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमारी दादी सास को हमारा ये मिलजुल पसंद नहीं। बेहतर यही होगा कि हम दूर रहें। शवनी, आई अंडरस्टैंड। चलिए ज्यादा से ज्यादा हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, पर कॉलेज का क्या? कॉलेज में हम साथ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हम साथ नहीं रहे तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। हम दोनों के रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा। शिवांश, अब तुम ही समझाओ इसे। वैसे भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, और सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, और हमारी अम्मा ने भी हमको माफ कर दिया, और अब तो हम बाप बनने वाले हैं, और अब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। बधाई हो, चलते हैं। चलिए। इस चोट का दर्द तुम्हें भी बहुत जल्द होगा शिवांश, बहुत जल्दी। ये सब क्या है मम्मी? बताए तो थे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अरे उसके आगे का तो बताओ। काहे मरना है हमको? तुमको बताना ओखली में सर देने के बराबर है। क्या मतलब? हमारी बिटिया, तुम सबर रखो, जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना। पहले बताओ रोहन ने क्या कहा? हाँ, रोहन ने माफी मांग ली, अब सुलह भी हो गई है। बढ़िया है। कौन है? हम हैं दामाद जी, आ जाए। आओ। बड़के ठकुरे ने आपने हमका बुलाया? हाँ बुलाया था जी। वो कहा है ना कि एक काम है, शिवांश को हम बहाने से घर से बाहर भेज रहे हैं, तुमको बस उसको अटका के रखना, 3-4 घंटे से पहले वो घर नहीं आना चाहिए। 3-4 घंटे मतलब कैसे? अब कैसे समझे नहीं का? सेब खाओगे? अब समझ गए, अब समझ गए, आपका काम हो जाएगा। जाओ फिर जल्दी। हाँ ये जगह सही है।
ये सही जगह है, एकदम सामने। वैसे गर्भवती महिला के कमरे में बाल गोपाल की फोटो होनी चाहिए, पर ये भी सही है, लड़का हुआ तो कन्हैया जैसा, लड़की हुई तो राधा जैसी। अब वो कहा ना कि हमें तो ये सब आता नहीं है, वैसे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों ऐसे बात कर रहे हैं। अब आपको तो पिछला कुछ याद ही नहीं है, अगर याद होता तो आपको समझ में आता हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतने बुरे थे काम? खैर हम इसलिए आए थे कि ये कुछ सामान मंगाना है श्रवणी के लिए, पेट से है ना, कभी खट्टा खाने का मन करेगा, कभी मीठा, फिर कभी तीखा, फिर आधी रात को दौड़ना पड़ेगा तुमको, इसीलिए पूरा लिस्ट दिया है, सब सामान मंगा के रख लो। ठीक है, ये सब हम अभी जाकर ले आते हैं। हाँ। फटाफट। अरे साले मामू कहीं जा रहे हैं आप? बाजार जा रहे हैं, बताइए। अरे बताओ, अरे हमका भी बाजार जाना है, तो एक काम करो बीच रास्ते में गोल बाजार हमका छोड़ के आ जाओ। ये का है? इतना लंबा लिस्ट, अब बाजार से सामान खरीदने जा रहे हैं। हाँ वक्त लगेगा ना ये सामान लाने में। चाकू लिखना भूल गए थे। श्रवणी गर्भवती है ना, तो तकिए के नीचे चाकू रखेगी तो बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा। ठीक है, चाकू भी ले लेंगे, है ना? हाँ हाँ, नहीं 3-4-5-6 घंटे भी लग सकते हैं। अरे बाबू आप हमका ले जाओगे ना, आपका बहुत फायदा है। कहें कि इतनी बड़ी लिस्ट जो है ना, ये सारा सामान जो है आपके मोटरसाइकिल के पीछे हमेशा सुरक्षित पकड़ लेंगे। जल्दी चलो, देर हो जाएगी। चलो जल्दी चलो, ये पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो इसको। माँ अम्मा आ जाइए, खाना लग गया है। ताई जी श्रवणी बेटा, अब से तुम हम सब का नहीं बल्कि हम सब मिलके तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब कल से तुम्हारा रसोई में जाना बिल्कुल बंद। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो बैठिए आप सब। हाँ शिपू कहाँ है? वो जो अखिल है ना उनके साथ बाहर गया। अच्छा जी, जी जी आप ठीक, आधे घंटे बाद हमको यही मिलना, हम आते सामान लेके। यही मिलना? काहे कि इस शहर हमारे लिए नया है, घूमोगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। अरे अरे जी जी, अरे आपने बातों में उलझा दिया, हमारा पैर टूट गया। अरे क्या हो गया? अरे अरे दिखाई ना कहाँ लगी? अरे दिखा रहे, तुम डॉक्टर हो? अरे डॉक्टर के पास ले चलो हमका, हमारा पैर टूट गया, हाथ ना लगा और टूट जाएगा। अच्छा ठीक है चलिए। हटा रहे जो ना तुम्हारा मोटरसाइकिल, हटाओ। अच्छा ठीक, हटा रहे। ये काम अगर सही से ना हुआ ना, ये चंद्रा जो है ना बड़के ठकुराए हमका जिंदा नहीं छोड़ के। चलिए जल्दी ले चलो अस्पताल, कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा। शर्मनी के लिए सामान ले, इनको लेके जाए। आई आई आई, आराम से आई मालती। क्या हुआ बुलन, फोन नहीं लग रहा है? हाँ माँ। We'll be right back.
हिस्सा। श्रवणी बेटा, अब तुम भी बैठ के खाना खा लो। जी माँ। श्रवणी, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़ा नमक कम है। वो स्वीटी नजर नहीं आ रही। स्वीटी, स्वीटी से कह देते, दिख नहीं रही। तुम ले आओगी नमक? हम ले आते ताई जी। तुम बैठो, हम लेके आएंगे। अरे नहीं माँ, हम जाते हैं। आप बैठिए, खाना खाइए, हम लाते। श्रवणी, माँ, श्रवणी, शिवांश, श्रवणी, क्या होगा मम्मी, क्या होगा दीदी को? दीदी, दीदी, क्या हो गया श्रवणी बेटा? स्वीटी, जल्दी से जाके पानी लेकर आ। हाँ मम्मी, हम लाते, हम लाते। कहाँ चोट लगी है श्रवणी? क्या हो गया श्रवणी? उठो तो। मम्मी, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। स्वीटी माँ, वो श्रवणी, पानी। आराम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा दुल्हन। आराम से, ये ले। श्रवणी, अरे श्रवणी, ये शायद घबरा के बेहोश हो रही है। श्रवणी उठो। हे भगवान, श्रवणी, अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? शिबू को बुलाओ, शिबू कहाँ है? अरे नानी, सिब्बू को छोड़ो, पहले जाके कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। हम तो कब से सिब्बू को फोन लगा रहे हैं पर वो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे आप फोन फोन के चक्कर में पड़े, हॉस्पिटल लेके चले। उठो उठो, शवनी को हॉस्पिटल लेके चलो। वो एम्बुलेंस आ गई, हमने ऐसी हालत देखे पहले बुला लिया था। उठो उठो उठो, उठाओ। जैसे जा रहे हो उससे भी बदतर हालत में लौटोगे। लेके चलो, जल्दी लेके चलो। श्रवणी बेटा, हिम्मत रखो। अरे वसुता जी, आप कहाँ चली? वो देखिए ना, अम्मा जी भांप रही है, उनको बिठाइए। श्रवणी, हम है ना, हम पर भरोसा रखिए, हम देख लेंगे श्रवणी को। आप बैठिए, अब चलो 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 चलो। एक मिनट, तू हमारे साथ मटक मटक के कहाँ चल रही हो? सिवान जाएगा तो हमको फोन करके बताना। उम्मीद करने के वाली हो आप? अभी कितना बढ़िया होगी तुम। चुप जो खाए करो, चुप चाप। चलिए चलिए, आप बैठिए अम्मा जी। अरे यहाँ बैठिए। अरे साले, वो आप ही मेरे पे रहोगे कि डॉक्टर को भी बुलाओगे? अच्छा ठीक है, आप बैठे यहाँ पे, हम बात करके आते हैं डॉक्टर से। अच्छा जल्दी आओ, हमसे रहने जा रहा, दर्द सहने जा रहा। आ रहे आ रहे। अरे भाई साहब, नंबर आ गया आपका, डॉक्टर बाबू बुला मेरा? रहे। हाँ जल्दी जाओ। अरे जिया जी, खड़े हो गए? अरे खड़े होने की तो कोशिश कर रहे, हुआ नहीं जा रहा ना। कहा कहा डॉक्टर ने? चलिए अंदर। तो चलो ना जल्दी, कितना देर लगा रहे हो?
190, lower 60. Keep checking this blood pressure, okay? मामूली सी चोट है, इतनी सी चोट से बेहोश कैसे हो गई? श्रवणी, पानी लेकर आ जल्दी। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, वो चोट की वजह से नहीं हुई है, वो घबरा कर बेहोश हो गई। जानती हैं, वो भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहती है, आए दिन बड़े बड़े पर्चे देती है, दिन रात पढ़ाई करती है और ऊपर से अभी मां बनने वाली है। ओ, ये प्रेग्नेंट है? जी, वाला के मनोज है इसके ससुराल वाले। पहले इसकी जान खा ली, बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो, ना जीने देते हैं ना पढ़ाई करने देते हैं। अब बच्चा ठहर गया तो बोलते पढ़ाई छोड़ दो। ओ, यही तो नियति है, लड़की अनपढ़ हो या वकील कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ों की इच्छा के सामने एक औरत की क्या ही इच्छा रह जाती है। मां नहीं बनना चाहती थी, आपकी किस्मत है कि आप डॉक्टर बन गई, पर इसकी किस्मत बच्चा नहीं करना चाहती या एक औरत मां बनने के लिए तैयार नहीं है, तो एक औरत का पूरा अधिकार है कि वो। हाँ वही तो कह रहे हैं हम, उसकी इच्छा होनी चाहिए ना कि वो मां बनना चाहती है कि नहीं। डॉक्टर साहब, पता है आप ही कुछ कर सकती है इसमें, और कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं? मतलब? मतलब कि इसे चोट लगी है ना, आप उसका बच्चा गिरा दीजिए। पता भी नहीं चलेगा सबको, लगेगा कि चोट लगी और बच्चा गिर गया। नहीं नहीं, इसके लिए तो इनसे या इनके पति से परमिशन लेनी होगी, फॉर्म पे साइन लेना होगा। और इनसे या तो इनके पति से ना, तो आप हमको फॉर्म दे दीजिए, हम साइन करवा देंगे इनसे। अरे कुछ नहीं हुआ है, चेक करने दीजिए, आराम से लेटिए। अरे डॉक्टर बाबू, बहुत दर्द हो रहा है हमको। हमारा फोन कहाँ चला गया? अरे जिया जी, हम आते हैं बाहर से, लगता है भाग दौड़ में हमारा फोन कहीं गिर गया, हम देख के आते हैं बाहर। साले बाबू, अरे हमको छोड़ के ना जाओ, हमको बहुत दर्द हो रहा है। हम अस्पताल में पहली बार आए ना, तो हमको छोड़ के ना जाओ। अरे जीजा जी, हम आते हैं फोन देख के, दो मिनट बाहर कहीं गिर गया। साले बाबू, अरे ऐसा ना करो, हमारा जी घबरा रहा है, अरे अटैक उटैक आ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारे हम मांगे इकलौते। अच्छा ठीक है, हम नहीं जाते, आप ठीक से लेटिए। अब उन कहाँ चला गया हमारा? थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, इन्हें होश आते ही आप इनसे बात कीजिए, इन्हें सोचने का मौका दीजिए। अगर ये कंसेंट लेटर पे साइन करने के लिए तैयार हैं तो हम कर देंगे, ठीक है? वैसे आप इनकी कौन है? ताई जी, लेकिन हमारे लिए हमारी बेटी से कम नहीं है, कहे की माँ नहीं है ना इसकी, हम इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बचपन से एक ही सपना देखा है, हम डॉक्टर बनेंगे, पूरी दुनिया से लड़ गई पर आज अपने प्यार के आगे अपने ससुराल वालों के सामने हार गई। खैर हम साइन करवा लेंगे। नर्स, इन्हें कंसेंट फॉर्म दे दीजिए। ओके डॉक्टर।
हमारी लाडली श्रवणी, अब कैसे बचोगी तुम? अब तुम देखती जाओ क्या क्या नहीं करते हम। श्रवणी बिटिया, ताई जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा ने क्या कहा, दुल्हन को भी देखेंगे, चलो चलो। चंद्रा जी क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वो ठीक है, खतरे से बाहर है, बस आज रात को अस्पताल में रखना है। ठीक है तो हम रुकते हैं, आप लोग घर जाओ। नहीं अम्मा जी, आप क्या करेंगी रुककर? अरे रात बेरात कोई दवाई की जरूरत पड़ गई तो कहाँ टहलती फिरेंगी, तब बड़ा अस्पताल है, आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए। एक काम करिए वसुधा जी, आप अम्मा जी को लेकर घर चले जाइए, हम यहाँ रुक जाएंगे। नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा, आप लोग जाइए, हम शवनी को साथ लेके ही लौटेंगे। हाँ वसुधा ठीक कह रही है। हाँ तो रुक जाइए, पर कहे के डॉक्टर ने कहा है यहाँ पर भीड़ नहीं करना ठीक है, मुझे आराम की जरूरत है। वसुधा जी बाहर तो बैठ सकती है ना अम्मा जी को लेकर, है ना अम्मा जी? डॉक्टर ने कहा है। ठीक है ठीक है वसुधा, चल डॉक्टर ने कहा है तो हम बाहर बैठते हैं। चलिए अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है श्रवणी। श्रवणी उठो, उठो उठो, हाँ उठो, शाबाश बेटा। श्रवणी उठो उठो, श्रवणी 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 बेटा बेटा, ये ना इस पे साइन करना है, तुमको साइन कर दो, ले लो। साइन करो। शिवांश, अब शिवांश आता ही होगा बेटा, ये पर अभी कल ना तुमको चोट लगने से ना तुम्हारे बच्चे को खतरा हो गया है। बच्चा? हाँ हाँ, बच्चा, बच्चे को बचाना है ना बेटा, तो अभी अभी का किसी का इंतजार नहीं कर सकते। लो इस पे इस पे इस पे इस पे साइन करो। लेकिन आपने तो इन्हें बताया ही नहीं कि ये साइन अबॉर्शन के लिए। वो हम समझा रहे थे बस उसको, ऐसे थोड़ी होता है बहन जी, पेशेंट को या फिर उनके पति को पूरे होशो हवास में ये फॉर्म साइन करना होता है, और अभी तो ये पूरी तरीके से बेहोश हैं। आप ये फॉर्म फाड़ दीजिए, इस फॉर्म का कोई फायदा नहीं। छोड़िए, चुप छोड़िए, धीरे हटाइए, धीरे धीरे धीरे। कायला, इस वक्त इस कमरे में तुम्हारे हमारे अलावा ये तीसरी जन है जो है बेहोश, और चौथा कोई नहीं है। अब तुमने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, या तो हम तुम्हारा अभी यहाँ गला काट दें, या तो फिर पूरे साल कि पूरी पकार एक साथ उनको दे दे, है ना? एक साल की तनख्वाह? हाँ, एक साल की तनख्वाह, एक साल। इसे हटा लीजिए,
आप जैसे बोली मैं वैसे कर लूंगी। हाँ, हमको सच में लगा था कि तुम बहुत समझदार, तो अब डॉक्टर को कहोगी कि तुम्हारी आंखों के सामने इसने साइन किए हैं पूरे होशो हवास में, और अगर मुंह खोला ना तो तुम सोच लेना हम क्या कर सकते हैं। और अब जल्दी से इसको कोई दवाई दो, क्योंकि आज रात का इसको बिल्कुल कुछ याद नहीं रहना चाहिए। इसे हटा लीजिए। हम देते हैं इंजेक्शन, लाते हैं। हाँ, ना देते हैं, ना देते हैं। जल्दी 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 दवाई दो। लगा दिया इंजेक्शन, अब इसे होश नहीं आएगा। होश नहीं आएगा, नहीं याद भी नहीं रहना चाहिए। याद भी नहीं रहेगा। जल्दी 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 जा रही हूँ। डॉक्टर को याद है ना? हाँ, सच्चा है। ऑपरेशन की तैयारी करो। हाँ हाँ, जा रही। श्रवणी बेटिया, अब क्या होगा? तुम्हारा बच्चा तो गया। तुमने हमको हमारे बच्चों से दूर किया ना, अब तुमको पता चलेगा अपने बच्चे से दूर होने का दुख और दर्द क्या होता है। बड़की ठकुराइन, बड़की ठकुराइन, कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, कहीं नहीं, वो हमने आपकी दुल्हन को डॉक्टर से बात करते हुए सुना था। हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो नर्स ने बताया ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या? श्रवणी का ऑपरेशन होगा? कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा ही ऑपरेशन है। आप लोग इतना परेशान मत होइए, एक काम करिए, आप लोग घर चले जाइए। हाँ, आराम कीजिए, वक्त लगेगा। जैसे ही हमको पता चलेगा ऑपरेशन खत्म हो गया, हम आपको फोन करेंगे, आप आ जाइए। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। हम यही रुकते, ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तभी जाएंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। शिवांश, शिवांश कहाँ है? पट्टी मैंने बांध दी है, आधे घंटे में आराम मिल जाएगा। शर्मी दीदी आपको ढूंढ रही है, उनका फिर से चक्कर आ गया। हमारा फोन बंद कैसे हुआ? हाँ बेटा, ये तो हमारा ही फोन है, आपको कहाँ मिला? अरे कहाँ गई? घर से इतने सारे मिस कॉल्स, माँ का मैसेज। शिपू कहाँ हो बेटा? शिपू बेटा, श्रवणी गिर गई थी, हम उसे सिटी अस्पताल लेके आए हैं। श्रवणी, हम शिवांश को रोकने का बहुत कोशिश किए, लेकिन
इससे ज्यादा रोक नहीं पाए। अरे रखो, किसका फोन है? बैंक वाले फोन करते रहते। शिवांश के आने से पहले सब हो जाए बस। पता नहीं शिबू कहाँ रह गया, ना फोन उठा रहा है, पता नहीं उसने हमारा मैसेज भी देखा है कि नहीं। इस समय शिबू यहाँ है नहीं और शवनी की हालत इतनी बुरी है, हम समझ नहीं आ रहा अम्मा हम क्या करें। दिखाई नहीं देता का? देता है ना, सब दिखाई देता है। अब रास्ते में क्यों खड़े हो? अब रास्ते से हटो। डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भटक गई हो का? जो अपने माँ बाप के पास, यहाँ का ही मंडरा रही हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हम कहाँ पे हैं? आराम से, पैनिक मत होइए। बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। बेहोशी? बेहोशी का इंजेक्शन क्यों? क्यों मतलब? आपका ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर, ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों हो रहा है हमारा? अब किस चीज का हो रहा है? अरे आपने अपनी मर्जी से तो कंसेंट फॉर्म साइन किया है। कंसेंट फॉर्म? कौन सा कंसेंट फॉर्म? अबॉर्शन के लिए। नहीं, आराम से। नहीं, हमें हमें कोई अबॉर्शन नहीं कराना है। ये रोकिए। ये क्या बोल रही है? मैम ये बेहोशी की वजह से थोड़ा घबरा रही है, ऐसा होता है ना। इन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन किया है, हमारे सामने साइन किया है। हमने कोई साइन नहीं किया। अरे हमें नहीं कराना। इन्हें फॉर्म दिखाइए, फॉर्म लेके आओ। हमें नहीं कराना। मैम ये देखिए, आपने खुद साइन किया है। मैं कोई साइन नहीं किया डॉक्टर। ये इनकी फैमिली बाहर है ना, बुलाओ उन्हें, फिर ही ऑपरेशन करेंगे। मैम किसको बुलाएं? वो उन्होंने बताया था ना कि इनके ससुराल वाले सनकी हैं और ना ही इनके पति को बुला सकते हैं और ना ही इनके सास को। शिवांश, आप शिवांश को बुलाइए। शिवांश आप आराम कीजिए, आराम से लेटिए, आप लेटिए, आप लेटिए, आराम से। देवी माँ ये क्या हो रहा है, मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। शामनी माँ, शमनी का? शमनी गिर गई थी। गिर गई? उसे चोट आई, वो बेहोश हो गई थी। माँ ऐसे कैसे चोट लग गई? हमने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फोन नहीं उठाया, फिर हमने मैसेज भी छोड़ा। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। ऑपरेशन? अरे क्या हुआ उसे? पता नहीं। शमनी, शमनी हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, शुभान शुभान जय जय अम्मे जय जय दुर्गे जय जय।
श्रवणी दीदी बुला रही है। आप यहाँ कैसे? आप तो वहाँ पे थे। पहले जाइए, वो बुला रहे हैं। अरे कहाँ गई? कहाँ गई? श्रवणी, 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 खोलो, अरे दरवाजा खोलो, श्रवणी, श्रवणी। डॉक्टर, कौन दरवाजा पीट रहा है? वार्ड बॉय को देखने बोलो, कौन है? शमी, कौन है? शमी, वार्ड बॉय ये अंदर कैसे आया? शिबू, शिबू, आइए हमारी, शमी, शिबू, माँ हमें रुकिए, हमें बात करनी है। शिबू चलो, अम्मा अम्मा रुकिए, हमें बात करनी है। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बेबी है हमारी, वो आप लोग दो मिनट रुकिए। शमी डॉक्टर साहब, हमारी बेबी है, वो माँ बनने वाली है। जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती। और समझदारी इसी में है कि आप इस वक्त इसका साथ दें, और अगर ये तैयार नहीं है तो आप इसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यही कि ये अबॉर्ट करना चाहती है। ये आगे पढ़ना चाहती है, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। अबॉर्ट? ये किसने कहा आपसे? ये अबॉर्ट करवाना चाहती है। ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है, देख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए, पेशेंट के ही साइन है इस पे। ये सच नहीं है, हम नहीं मानते। डॉक्टर साहब, आपने बच्चा गिरा दिया। अरे बताइए ना। अभी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, अभी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। हमें बस एक बार श्रवणी से पूछ लेने दीजिए, एक बार वो अपने मुंह से कह दे। श्रवणी, वार्ड बॉय, अरे हमें एक बार उसने बात करने दीजिए। देखो तमाशा मत करो, ये इसका कानूनन हक है। अगर तुमने गुंडे दिखाई ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? शर्मनी उठो, शर्मनी। वार्ड बॉय ले जाओ इस आदमी को, और अगर ये ज्यादा हाथ पांव मारे ना तो पुलिस बुला लेना। बहुत बड़ी शिवू, शिवू चल, अरे चलो, अरे चलो। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा विश्वास कीजिए। अरे हम कुछ बनाना चाहते हैं, इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। देखिए हमारी बात समझिए, एक बार बस श्रवणी अपने मुंह से कह दे कि आप जो कह रही है वो सच है, हम कसम खाकर कहते हैं हम आपको ऑपरेशन करने से नहीं रोकेंगे। तो कह तो दिया है, खुद फॉर्म पे साइन किया है नर्स के सामने। अस्पताल में इतना काफी है, अब जाइए और हमें ऑपरेशन करने दीजिए। अरे हम नहीं मानते आपकी बात, हम बात करेंगे अपनी बीवी से। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, आप सब लोग बाहर जाइए। शिवू चलो, चलो शिवू। श्रवणी बताओ इनको, जो ये कह रहे हैं सच नहीं है। श्रवणी छोड़ो, मैं चलो बाहर चलो। श्रवणी बताओ इनको, ये सच नहीं है। श्रवणी शिवांश को हमने हमेशा तुमसे ज्यादा चाहा, और देखो वो एक एक कदम तुमसे दूर और हमारे पास आ रहा है। आज के बाद वो तुम पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाएगा। शिवू, ये क्या किया तूने? इसकी क्या जरूरत थी? क्या कर रहा है बेटा? अस्पताल आई है।
शिबू बीपी और हार्ट रेट अचानक से फ्लक्चुएट हो रहा है। इसे मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। मैं इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दो। जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती, ये अबॉर्ट करना चाहती है। ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है। शिबू क्या? क्या हुआ शिबू? अम्मा, हम सबसे लड़ते रहे उसके लिए। हमने कभी जबरदस्ती नहीं की उसके साथ मां बनने के लिए, पर उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं उसने। देख शिबू, जब तक हम शबनी के मुंह से खुद नहीं सुन लेते, हम किसी नर्स या किसी डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। माँ, अब क्या रह गया पूछने के लिए? माँ, उसने अंदर हमारा बच्चा। हम एक बात कह सकते हैं? नहीं, हम बस इतना कह रहे हैं कि जब से वो लड़का है, खाना में उसका था रोहन। मम्मी, हाँ रोहन, उसका जब से आना जाना शुरू हुआ है ना, तब से घर का माहौल ही खराब हो गया है। आप हमारे घर के मामले में ना ही बोले ना तो अच्छा है। सच कड़वाई होता है शिबू। बड़की ठकुराइन ठीक कह रही है। कोई ठीक नहीं कह रही, फालतू की बेतू की बातें कर रही है। बेतू की बातें नहीं कर रहे हैं। हमने उस दिन खुद श्रवणी को देखा था किसी से बात करते हुए। जिस दिन आप श्रवणी के लिए लड़े थे अम्मा जी से, उस रात को जब सब लोग सो गए थे, तब वो फोन लेके बाहर गई थी और उसने बात की थी। अच्छा, फिर तो आपने ये भी सुना होगा, किसका फोन आया, क्या बात हुई? हमने नहीं सुना। देखा अम्मा, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें बस घर में आग लगाना आता है। क्या सबूत है आपके पास? नहीं, सबूत भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास है ना, मतलब हमारे पास दीदी का फोन है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ये लीजिए दीदी का फोन, आप ही देख लीजिए। देख शिबू, अगर कुछ मिले तो इसमें। क्या हुआ रोहन? ऐसे यहां से वहां टहलने से टेंशन दूर हो जाएगी क्या? नहीं ना,
तो जल्दी से फोन लगा उसको और सॉरी बोल दो, सिंपल। चीटी, ये कोई टाइमर से कॉल कर रहे हैं? वो सो रही हो? नहीं सोई होगी, वो देर रात तक पढ़ती है, और अगर फोन नहीं उठाया तो मैसेज करके सॉरी बोल देना बस। चलो चलो फोन लगाओ, लगाओ ना फोन। कुछ मिला? हाँ, मिस कॉल है इसमें, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं है। तो बाहर जाके किया होगा ना वापस, जब हमने उसे देखा था। नहीं, इसमें और कोई डिटेल नहीं है। हाँ, अब भी ना जीजा जी, कैसी बात करते हैं, डिलीट भी तो कर सकते हैं ना, पर आजकल तो लोग एक फोन में दो दो सिम रखते हैं, और जिनको धोखा देना होता है वो सब तैयारी करके रखते हैं। देख शिबू, शक ने बड़े बड़े घर तोड़ दिए, ये जो भी बात करनी हो वो शमी से सीधा करना, आमने सामने बैठकर। बिल्कुल सही कहा, श्रवणी से ही बात करनी चाहिए, किसी पे विश्वास मत करो। तुमको एक बात पूछनी चाहिए कि आज वो लड़का उसको गुलदस्ता देकर गया था, तो उसने किसी को उस गुलदस्ते के बारे में बताया का ही नहीं। गुलदस्ता? कौन सा गुलदस्ता? वो रोहन तुम गुलदस्ता देकर गया था, वो अभी भी घर के पीछे वाले कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। यकीन नहीं आता तो आप लोग देख लीजिए। हम क्या करेंगे मनगढ़ंत कहानियां बनाकर, हमें कोई शौक नहीं है किसी का घर तोड़ने का। हमने इससे पहले इसलिए नहीं कहा कि हमको लगा चुप रहते हैं, लेकिन अब सर के ऊपर से पानी जा चुका है, हमें चुप रहना ठीक नहीं लग रहा। आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, हमें सहारा दिया है, हमें पनाह दी है अपने घर पे, हम नमक हराम ही नहीं कर सकते। अरे हम नहीं मानते आपकी बात को। ठीक है फिर मत करो, हमारे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं। पता है नहीं नहीं, मैं और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, भरोसे के काबिल दुल्हन थी नहीं। लेकिन हमको श्रवणी पर पूरा भरोसा है, वो बहुत ही सीधी और सच्ची लड़की है शिबू। श्रवणी, रुकिए, श्रवणी, क्या हुआ? अबॉर्शन हो गया? इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए अबॉर्शन नहीं कर पाए। अबॉर्शन नहीं हुआ? हे दिन मैया, तेरा लाख लाख शुक्र है। इनको होश आ जाने दीजिए, इनकी हार्ट रेट्स नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब इनका ऑपरेशन करेंगे। शिवो भगवान ने कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया, सब ठीक है। बिगड़ तो गया ही है वसुधा जी, बच्चा भले ही बच गया है, लेकिन रिश्ता आप खत्म ही समझो, क्योंकि आग लग चुकी है। शुक्र मनाओ कि बच्चा बच गया,
बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया, पर हमें डर इस बात का है कि अगर ये बात सच है कि श्रवणी बच्चा नहीं चाहती तो कल का क्या भरोसा, हो सकता है कल वो बच्चा गिरा दे। शिबू, अम्मा आप शिबू को समझाओ ना, आप ही उसे समझा सकती हो। हाँ अम्मा जी, हम बात कीजिए। कहे कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ना तो हमारा दिल बहुत दुखता है। इसी में वो गुलदस्ता देखा था अम्मा। शिवांश, बेटों की बात नहीं कर रहे थे ना, हमारा कोई काम आग लगाने का है, सिर्फ एहसान चुका रहे थे। वो देख, बात है मम्मी, गुलदस्ता दीदी के लिए आया है और प्यार आपको आ रहा है। और तब तक प्यार देंगे जब तक ये सही जगह नहीं पहुंच जाता। क्या? अरे इतना प्यार देने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया। मम्मी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब ये क्या कर रही है, इतनी मेहनत की कूड़ेदान में फेंकने के लिए। हमको कभी कभी लगता है तुम हमारी औलाद हो कि नहीं। मतलब ये, यहाँ तुमको हम पैदा किए हैं लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो तुम्हारे पिताजी पर गई है, जिसको चाले समझ में ही नहीं आती। खैर समझ जाओगे धीरे धीरे, काहे कि ना सीख जाना तुमको जिंदगी भर नहीं संभाल पाएंगे। चलो ताकि कोई देखे ना, चलो। झूठ नहीं कह रहे थे, नीचे देखिए। हम क्या करेंगे इसका? हम तो बहुत कुछ करेंगे इसका। समझ में आया काहे प्यार दे रहे थे उस गुलदस्ते को? हम अपने बच्चे को गिराने की बात सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते माँ। हम और शिवांश, हमारे प्यार की निशानी है ये बच्चा। हम क्या, शिवांश भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हम माँ, आखिर हम क्यों गिराएंगे अपना बच्चा, बोलिए ना, हम क्यों गिराएंगे अपना बच्चा, क्यों गिराएंगे हम? ये सब आप लोग के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये सब आपकी लापरवाही है। कैसे होने दे सकते हैं आप ये? जवाब दीजिए।
जाए। 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 अब इतने भारी मन में भी कोई चाय पिएगा क्यों? ले जाओ, हम तो नहीं पी पाएंगे। वैसे तो हमारा भी मन नहीं था, पर क्या करें, ऐसे सब उदास बैठे हैं, ये देख के हम बना के लाए। ठीक है, कोई बात नहीं। नानी, नानी तनिक देखो जरा सिब्बू को, अब परेशान बैठा हुआ है। बोलो मालू, देख रही हो? बताओ सही, एक बच्चे के लिए लोग बरसों तरसते हैं, है कि नहीं? और एक ये है, बच्चा गिराने चली थी, अब क्या कह सकते हैं? नानी, आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरहद जी ने ऐसा किया क्यों है? हमको तो बस यही लग रहा है कि श्रवणी कोई तमाशा ना करे, काहे कि उसके मन की हुई नहीं ना। अरे नानी, ये सब का है, ये ढोल वालों को किसने बुलाया? आपने बुलाया क्या इन लोगों को? नहीं, हमने नहीं बुलाया। खैर जो भी है, तमाशा देखो। रुको रुको, ये ढोल नगाड़ा काहे बजा रहे हो? जाओ यहाँ से, हमने नहीं बुलाया। रुको, कोई नहीं जाएगा, यही बजेगा ढोल। क्यों, कोई जलसा है यहाँ? जलसा है, जैसे शादी ब्याह का जलसा होता है ना, आज वैसे ही मौत का जलसा होगा। बजाओ। देखिए, ऐसा नहीं है, आपने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया है, इसलिए हम आपका ऑपरेशन करने वाले थे। नहीं, हम नहीं मानते इसे। देखिए, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ इस तरह की लापरवाही हो ही नहीं सकती, और कल आप ही ने तो मेरे सामने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया था। हम नहीं मानते। जब हम यहाँ आए थे तब हम बेहोश थे, जब हम इस अस्पताल में आए तब भी हम बेहोश थे, और हम ये कैसे साइन कर सकते हैं जब हम बेहोश थे? तो बोलिए, हाँ, नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस है। शिकायत करेंगे माँ की, शिकायत करेंगे। मैम, क्या हमने आपसे खुद कहा कि हम अपना बच्चा गिराना चाहते हैं? बोलिए ना, जवाब दीजिए। नहीं, आपने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तो फिर किस बिना पर आपने हमें ऑपरेशन टेबल पर लिटाया? इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी, हमारी पल्स ना गिरी होती तो आप लोगों ने तो हमारा ऑपरेशन कर दिया होता। हमें अभी के अभी डिस्चार्ज कीजिए डॉक्टर, सुना आपने? और ये हम अपने पूरे होश आवाज में कह रहे हैं, हमें घर जाना है, डिस्चार्ज कीजिए हमें। देखिए, हम अपनी तरफ से फिर से आपसे माफी मांगते हैं, मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाती हूँ। नर्स, फॉर्मेलिटीज करो। ओके डॉक्टर।
शिवांश, शिवांश कहाँ है? शिवांश कहाँ है माँ? शिवांश कहाँ है? उन्हें पता है ये सब? माँ, क्या वो जानते हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि हम अपना बच्चा? बोलिए ना माँ, बोलिए ना। आप चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ तो बोलिए। शिवांश, निकल जाना। चल रहा है ये सब? पगला ना जाए। आपकी विदाई इस घर से। क्योंकि हम आपको तलाक दे रहे हैं। आपने तलाक, दिखाते हैं आपको देखिए
आपको पढ़ना तो आता है ना, हमसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आप। देखिए अच्छे से देखिए, ये हमारा तलाकनामा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डाइवोर्स पेपर। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।